आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता ने आपको खुले मंच से आपको इनवाइट किया कि आप हमारी पार्टी में शामिल हुई, तो क्या आपने मन बनाया कुछ? मैंने कहा था कि मेरा भी सुन के जो आपने दो विकल्प बताए हैं कि अगर ये पार्टी मेरी बात दो बातों को मानती है तो मैं उन पर मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं दिया आगे बढ़ना है और इसी से ये सिस्टम बदलेगा, ये दिशा बदलेगी, ये दशा बदलेगी और उसमें जो जुड़ते हैं वो जुड़े, हमें भी कहीं जुड़ने की बात थोड़ी है, लोग जुड़ने की बात है। जब तक लोग नहीं जुड़ेंगे, परिवर्तन जिसकी हम कल्पना करते हैं, 1977 में क्या हुआ था, कांग्रेस हारी 30 साल के राज के बाद, लेकिन उसके बाद जो मटेरियल आया वो भी उतना संतोषजनक नहीं था जिसके बारे में हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने दिशा और दशा बदल दी। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, दिशा और दशा बदलने में 2-3 कंपोनेंट हैं। एक तो भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार व्यवस्थित रूप से अगर भ्रष्टाचार है तो इसको उखाड़ने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि मर्यादित राजनीति जब तक नहीं होगी, जब तक हमारे विचार जिसको हम वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स कहते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह मेरे मित्र हैं, उनका जन्मदिन राजनीतिक जीवन का 50वां वर्ष था, उन्होंने जन्मदिन का न्योता था, उनको शुभकामनाएं देने के लिए मैं यहाँ पे आया। सर, पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सरकार बनी, हरियाणा में क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा में तो बन चुकी, कट्टर जा चुका, हरियाणा के लोगों से पूछो। सर, आज वीरेंद्र जी का जो अपने मंच के माध्यम से वो नोता दिया था कि भी आप भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाइए, तो क्या लगे आपको? मैंने बताया था परिवर्तन का समय है, देश का युवा परिवर्तन चाह रहा है और परिवर्तन के लिए आपको भी नोता दे रहे हैं। 75 साल के बेशक हो गए, बूढ़े नहीं हुए अभी जी, मन के जो इच्छाएं हैं वो पूरी कर लेनी चाहिए। सर, आपने एक बात कही है कि विजेंद्र जी को सभी वो जो पीछे उनके सपने पूरे नहीं हो पाए वो उनको पूरा किया जाए, क्या इसका असर आप क्या मानते? आदमी खुश रहे, आदमी जिंदगी के अंदर, मैंने इनके ये भी कहा था, आपने पहले भी परिवर्तन किया था, जो परिवर्तन किया था वो ठीक जगह नहीं हुआ, लोग उससे खुश नहीं है। आप परिवर्तन करके देखो, हजारों युवा, लाखों युवा खुश होंगे।